हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू हेल्दी टेक्स बाय अमू। आज हम बनाएंगे हुमस। तो हम देंगे इस ट्रेडिशनल रेसिपी को एक ट्विस्ट और बनाएंगे ग्रीन मूंग हुमस। मूंग हुमस बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मूंग की दाल। ये हरी होल मूंग है, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। देखिए अच्छे से फूल गई है। ओवरनाइट नहीं तो 6 से 7 घंटे आप इसे एटलीस्ट भिगो के रखें। और फिर मैंने इसे बॉईल करके कुक कर लिया है, तो लगभग इसे 20 मिनट लगे थे कुक होने में। अच्छे से मैश हो जाए इतना कुक कर लेना। इसे प्रेशर कुकर ना करें, नहीं तो इसके छिलके अलग हो जाएंगे, तो इसे खुले बर्तन में ही पकाएं। इसी के साथ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, 2 गार्लिक के टुकड़े, आधा नींबू, 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मूंग के साथ ऐड कर देंगे। तो मैंने ताहिनी सॉस की जगह पर रोस्टेड सेसमी सीड्स का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं क्रीमी टेक्सचर के लिए। अब हम इस सारे मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लें। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है। मैंने लगभग 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम अपने हुमस को सर्व कर लेते हैं विद सम चिप्स एंड सैलड। तो आपने देखा ये कितनी झटपट बन जाता है और एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके इवनिंग स्नैक्स के लिए या फिर वीकेंड मंचिंग के लिए। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय एडिंग स्पिनच, हैलेपिनोज, गार्लिक। तो बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है एंड ग्रीन मूंग्स काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड आयरन। तो हम उसको गार्निश कर लेंगे विथ सम ऑलिव ऑयल ऑन द टॉप, मूंग एंड पोमोग्रेनेट्स जस्ट टू ऐड द कलर। तो आप इस हुमस को एज अ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं अपने सैंडविचेस एंड रैप्स में, या फिर आप इसे एज अ डिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।